Hey yo, what's up guys, welcome back to the channel Rising Artwork. Hope you guys are doing best, amazing and बहुत ही ज़्यादा awesome. So guys, आज हम वापस अपने एक और artwork के साथ आ चुके हैं और आज का जो artwork था वो भी बहुत amazing शख्सियत के बारे में था. Actually मैं उसके regarding थोड़ा आपको पहले brief देता हूँ क्यों मैंने उसको उस शख्स को choose किया. क्योंकि आजकल मैं Batman The Dark Knight तो उसको मैं फिर से देखने लग गया था, तो जिसकी वजह से मुझे उसमें एक कैरेक्टर है मिस्टर फॉक्स का जो कि बैटमैन को हर वो जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वाली जो चीज़ें होती है उससे एग्जिस्ट करता है और उसको नई नई चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे बना के देता है, जिसकी वजह से बैटमैन की तरक्की भी होती है और जो भी कल्प्रिट्स होते हैं उस टाउन में तो उनको वो इजीली पकड़ पाता है उसकी वजह से. तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारी लाइफ हर एक की लाइफ में ऐसा एक बंदा होगा जो मिस्टर फॉक्स जैसा होगा, जो हमको नई नई चीज़ों से नई नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करता होगा, उसके रिगार्डिंग बताता होगा, उससे एजिस्ट करता होगा, तो हाउ कूल लाइफ दैट वुड बी. और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की लाइफ में नो डाउट होता भी होगा. तो उस चीज़ की वजह से मैं उस कैरेक्टर से बहुत प्रभावित हुआ हूँ मिस्टर फॉक्स. तो लेकिन उसका जो कैरेक्टर प्ले किया है वो है वर्सेटाइल हॉलीवुड एक्टर दैट इज़ नन अदर दैन मॉर्गन फ्रीमैन हिमसेल्फ. सो ही इज़ वेरी अमेजिंग एक्टर दैट आई हैव सीन राइट नाउ. तो मैं भी काफ़ी हद तक उनका फ़ैन हूँ, बहुत एडमायर करता हूँ मैं उनकी एक्टिंग स्किल्स को, जिस तरीके के वो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. एंड और मैंने इसमें जो डार्क नाइट का ही उनका जो टाइम था मतलब रोल प्ले करने का, तो उसमें जो जिस तरीके से उनने बिहाइंड द सीन जो फन क्रिएटिंग एनर्जी रहती है उनमें, तो दैट इज़ वे टू अट्रैक्टिव दैट वी कैन सी इन टू हिम, दैट इज़ रियली अमेजिंग. तो आज उन्हीं का मैंने आर्टवर्क क्रिएट किया हुआ है मॉर्गन फ्रीमैन का, तो वो आर्टवर्क मैं आपको शो करने जा रहा हूँ. तो दिस वाज माय आर्टवर्क दैट आई हैड क्रिएटेड मॉर्गन फ्रीमैन. काफ़ी डिसेंट लुक है यहाँ पे और जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने ऑल दो सारा पेंसिल पोर्ट्रेट ही किया हुआ है पेंसिल एंड चारकोल से. यहाँ पे जो स्किन टेक्सचर है उसमें मैंने मोस्टली 2B 4B 5B पेंसिल का ज़्यादा यूज़ किया हुआ है एंड 7B का भी मैंने ज़्यादा डार्क टेक्सचर देने के लिए यूज़ किया है. आईज़ को मैंने बनाया है, जो इनका आई का टेक्सचर है वो मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से टेक्सचर किया हुआ है और इनका जो फ्लॉपी कैप या हैड का टेक्सचर है वो मैंने चारकोल पाउडर से टेक्सचर किया हुआ है. बहुत ही दिलचस्प आर्टवर्क था. सो लेट्स स्ट्रेट अवे हेड टू द वीडियो. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करो इस वीडियो को और इस वीडियो को जितने भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हो, शेयर करो, कमेंट डाउन योर व्यूज अबाउट दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट कि आने वाले टाइम में आप किस कैरेक्टर को मेरे आर्टवर्क्स में देखना चाहते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल राइजिंग आर्टवर्क. आने वाले टाइम में मैं बहुत
बहुत अमेजिंग आर्टवर्क्स लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो आपके सपोर्ट से मेरे को अपने हर काम को करते टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट इन मोटिवेशन मिलता है, तो जिसकी वजह से पुश मिलता है मेरे को अच्छा अच्छा परफॉर्म करने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को और अपना प्यार ऐसे ही मेरे हर आर्टवर्क पर बनाए रखना, एनर्जी बहुत मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल। दिस इज एन आर्टिस्ट साइनिंग ऑफ।